एंड इट्स लाइक क्वाइट अनरियल आई एम टॉकिंग टू यू वीडियो कॉल पे, मतलब दो बहुत दिन से ही बहुत मेरी ही बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है जब एक बार में कोई मान गया और थिंग्स अलाइन, बिकॉज यूजुअली क्या होता है ना, जब मैं बैठता हूँ किसी से शेड्यूल करता हूँ कुछ तो वो टल ही जाता है फॉर सम रीजन, इधर समथिंग और द अदर कम्स अप। आज बस टाइमिंग ही ऐसी हुई है कि मैं उठा 11 बजे हूँ और सब एकदम टाइम से हो गया, तो लकीली फॉर मी एंड यू बोथ हम बैठे हैं यहाँ पे बात कर रहे हैं। नहीं, एक्चुअली यू नो देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड हाउ यू आर इनटू दिस पॉडकास्ट. मतलब आपके लिए इट ऐसा होगा कि मैंने आपको मेल करा, आपने एक्सेप्ट कर लिया, हो गया. पर फॉर मी हाँ, इट 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 इज अ 10 month लॉन्ग जर्नी. हाउ आई विल टेल यू इज यार, इट ठीक सो, है? प्लीज मैं बताओ। यस यस मैं आपको बताता हूँ. तो ना मैंने आपकी पहली वीडियो देखी थी, वो वाली कपिल शर्मा वाली, जब उससे आपका चैनल बूस्ट हुआ था, ठीक है? उसको उसको मैंने देखा, फिर कहा ठीक है कोई. उसके बाद एक वीडियो आई थी व्हाट अबाउट री वाली, सामने में वो वीडियो ओ में मैंने देखी. ओके, एंड उसके बाद आई वाज शॉक्ड, इसलिए नहीं कि कंटेंट ऐसे, मतलब बहुत ही कंटेंट अच्छा था, बट इट इज ऑफ द फैक्ट कि देर इज सम अदर पर्सन जो मेरे जैसा है, जिसको हु लाइक टू टॉक अबाउट यूट्यूबर्स एंड एवरीथिंग. बिकॉज मैंने अपना पहला चैनल स्टार्ट किया था 2016 में, और उसके बाद मैंने बंद कर दिया. तो ऑब्वियसली उस टाइम का था मैं, जो लोग टेक्निकल गुरु जी की कॉपी करते हैं, मैं भी उस टाइप का था, उसके मैंने बंद कर दिया था. हाँ देन 2018 में मैंने सेकंड चैनल स्टार्ट करने का सोचा था, क्योंकि आमिर भड़ाना बोलता है ना, प्लानिंग से सिर्फ बच्चे होते हैं और कुछ नहीं होता. तो वो नाइस। प्लान होते ही रह गया, ठीक हाँ है? तो मैंने उस टाइम ना, मेरे पास अभी भी वो डायरी है वेयर आई वाज प्लानिंग कि मैं किस पे क्या करूंगा. तो मैं लिटरली मैं एग्जैक्ट सेम कंटेंट की मैं बताऊंगा कौन सा यूट्यूबर कैसे, बिकॉज मैं यूट्यूब कंज्यूम कर रहा हूँ जब मैं फिफ्थ क्लास में था, सॉरी, मैं फेसबुक इंटरनेट कंज्यूम कर रहा हूँ. तो काफी लंबी जर्नी रही है. तो उसके बाद क्योंकि क्लास 12th था, तो मेरा रह गया चैनल. फिर मैंने देखा आपको, तो आई वाज लाइक अच्छा ठीक है. तो यू नो आई विल बी फ्रैंक, खुशी हुई कि समवन इज डूइंग इट, बट एट द सेम टाइम जेलसी भी हुई कि साले कोई मैं करने वाला था और कोई उनसे करेगा, पहले कर दिया ठीक है? किसी ने। हाँ. तो हाँ उसके बाद ना आई वाज लाइक, फिर मैंने आपको सर्च किया लिंक्डइन पे. ये बात है पिछले साल जून, ठीक है? मैंने आपको लिंक्डइन पे सर्च किया, उसके बाद मैंने आपको टैग करके आपके एक पोस्ट में किया था कि वेदांत आई हैव टू कोलैब विथ यू समथिंग, ऐसा करके, ठीक है? उसके बाद ऑब्वियसली बातें अच्छे से इससे नहीं आता है रिप्लाई, इतने लोग करते हैं टैग, तो वो नहीं हो पाया. उसके बाद आप एक दिन कर रहे थे लाइव स्ट्रीम, ठीक है? उसके बाद मैंने आपको लिखा था कि वेदांत यू आर माई फेवरेट. और उसके बाद ना आपने उसको पढ़ लिया था और आपने 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 उसका रिप्लाई दिया था, आपने बोला था थैंक यू आर्यन. और मैं इतना खुश हो गया, मैंने जाके अपने एक दोस्त है उसको बोला कि भाई वेदांत ने नाम लिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है? उसके बाद ठीक है, उसके बाद मैंने एक एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको अपनी इंस्टा की स्टोरी में टैग किया था. अब मैंने वो वीडियो बनाई, आपको इंस्टा की स्टोरी में टैग किया, और आपने वो मेरी स्टोरी देख ली, और मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी. अब मैंने क्या करा, इंस्टाग्राम पे वो आता है ना कि किस किसने आपकी स्टोरी देखी, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया और उसको मैंने लगाया अपने फोन के वॉलपेपर पे, ओ और मैंने वाह, बोला ये चीज हटेगी तब जब ये बंदा मेरी वीडियो में कमेंट करेगा. और आप लिटरली मेरे फोन के वॉलपेपर पर 1 महीना रहे हो, 1 महीना. और उसके बाद आपने मेरी एक वीडियो में फाइनली कमेंट किया. अब मैंने बोला कि अब अगले बार इस बंदे से बात करनी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं माथा पटक लूं, कुछ भी होगा, मेरे पॉडकास्ट की स्टार्टिंग तभी होगी जब जब वेदांत रेस्ट आएगा. फिर उस वाह, दिन क्लब हाउस पे बात हुई, उसके बाद मैंने आपको खूब चेज किया, मैंने आपको इतना तक चेज कर रखा है कि मुझे ये भी पता है कि आपके जोमेटो में आज तक 3 रिव्यू है, उसमें से आपको आंटी की आपको आंटी की वाह की रसोई का खाना बहुत पसंद है. यार, तो अच्छा अच्छा खाना था उनका। अगर आई वाज लिविंग इन कॉलेज तो दैट वाज द ओनली रेस्टोरेंट दैट कुड गिव मी, जहाँ से मैं बाहर से खाना खरीद सकता था, जो एक्चुअली घर का अच्छा हेल्दी खाना था, तो इसलिए मैंने कहा कि रिव्यू करेंगे उनको। बट सच हाँ डेडिकेशन मैन आर्यन, आई हैव सीन योर वीडियोस, ऑफ कोर्स आई हैव सीन योर वीडियोस, दैट इज द रीजन दैट आई एम सिटिंग हियर, बिकॉज आई सी देयर इज पोटेंशियल इन योर वर्क। ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉन्ग पाथ दैट यू स्टिल हैव टू गो, ऑफ कोर्स देयर इज सम इंप्रूवमेंट दैट यू हैव टू डू, बट नहीं, आई सी पोटेंशियल इन योर वर्क, एंड तभी मैंने तेरी वीडियो पे कमेंट भी किया था, एंड आई हैव सीन योर वर्क, इट्स क्वाइट गुड। Thank you.